Now we read next paragraph of this chapter, Language of Maps. Map की language. Since there is limited space on a map, we cannot show all features in their actual size on it. क्योंकि किसी मानचित्र पर सीमित स्थान होते हैं, पर हम सभी विशेषताओं को वास्तविक आकार में नहीं देख सकते. We therefore use some signs and symbols to represent various features on map. इसलिए हम मानचित्र पर विभिन्न विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ संकेतों और प्रतीकों का उपयोग करते हैं. These signs and symbols are called language of map. इन्हीं signs and symbols को हम मैप की लैंग्वेज बोलते हैं. टू रीड अ मैप वी मस्ट बी फैमिलियर विद दीज साइंस एंड सिम्बल्स. टू मैप को रीड करने के लिए हमें इनके साइन एंड सिम्बल से परिचित होना पड़ेगा. लुक एट सम स्टैंडर्ड साइंस एंड सिम्बल्स कॉमनली यूज इन मैप्स. कुछ स्टैंडर्ड साइंस हैं और सिंबल्स हैं जो कि कॉमन यूज होते हैं मैप्स में, जैसे बाउंड्रीज के लिए, रोड्स के लिए, रेलवे, वाटर फीचर्स, अदर्स. ये आपको दिख रहे हैं इसके सिंबल्स जो यूज़ होते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायरेक्शन. इफ़ यू लुक एट मैप, अगर आप मैप को देखेंगे, द टॉप ऑफ द मैप इज़ नॉर्थ. जो आपको मैप दिख रहा है उसके सबसे ऊपर साइड कौन सी होती है, नॉर्थ डायरेक्शन होती है. वाइल द बॉटम इज साउथ, जो नीचे साइड है उसको हम साउथ बोलते हैं. टूवर्ड्स द राइट इज ईस्ट, राइट साइड में है जो उसको ईस्ट, एंड द लेफ्ट इज वेस्ट. इन एडिशन टू द फोर मेजर डायरेक्शन देयर आर फोर सब डायरेक्शन. इन चारों को ऐड करके हमारी चार डायरेक्शन बनती हैं. नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट में हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ वेस्ट लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट हमारा है नॉर्थ वेस्ट में. सिमिलरली साउथ ईस्ट, इसी प्रकार साउथ ईस्ट लाइज है बिटवीन साउथ एंड ईस्ट में, एंड साउथ वेस्ट लाइज है बिटवीन साउथ एंड वेस्ट में. स्केल, यू नो दैट अ मैप हैज़ लिमिटेड स्पेस. आपको पता होगा कि मैप में लिमिटेड स्पेस होता है. वी कैन नॉट शो द एक्चुअल साइज ऑफ एनी फीचर ऑन द मैप. हम एक्चुअल साइज नहीं देख सकते मैप में, सो वी यूज अ स्केल. इसलिए हम स्केल का यूज करते हैं. द स्केल इज प्रोवाइड एट द कॉर्नर ऑफ एवरी मैप. स्केल हर नक्शे के कॉर्नर में दिया गया है. नेक्स्ट लाइन, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉर्नर ऑफ द स्केल इन अ बेटर वे. आइए हम पैमाने की अवधारणा को बेहतर तरीके से समझते हैं. सपोज द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 100 किलोमीटर. मान लीजिए दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है. ऑन अ मैप दिस डिस्टेंस मे बी शो एज 1 सेंटीमीटर. मानचित्र पर इस दूरी को 1 सेंटीमीटर के रूप में दिखाया जा सकता है. देन द स्केल ऑफ द मैप विल बी 1 सेंटीमीटर इक्वल 100 किलोमीटर. फिर नक्शे का पैमाना 1 सेंटीमीटर इक्वल 100 किलोमीटर होगा. सिमिलरली ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर्स और 500 किलोमीटर्स विल बी सो एज 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटली. इसी तरह 300 किलोमीटर या 500 किलोमीटर की दूरी को क्रमशः 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर में दिखाया जाएगा. सो द स्केल ऑफ मैप इज द रेटियो बिटवीन द डिस्टेंस सो ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. तो मानचित्र का माप MOP पर दिखाई गई दूरी और ज़मीन पर वास्तविक दूरी के बीच का अनुपात है. लुक एट द स्केल गिवन हेयर. यहाँ दिए गए पैमाने को देखें.
Here each revisions represents 1 centimeter on the scale. यहाँ प्रत्येक विभाजन पैमाने पर 1 centimeter और 100 किलोमीटर का प्रतिनिधित्व करता है. This type of scale is called a linear scale. इस प्रकार के पैमाने को हम रेखीय पैमाना कहा जाता है. Colors. In maps, certain standard colors are used to show physical features. इन मैप्स में सर्टेन स्टैंडर्ड कलर्स का यूज होता है फिजिकल फीचर, भौतिक फीचर्स दिखाने के लिए, जैसे कि वाटर, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूस एंड डेजर्ट. पानी, पहाड़, मैदान, पठार और रेगिस्तान. ब्लू इज यूज टू शो वाटर बॉडीज, नीला रंग दिखाता है हमारा वाटर बॉडीज एंड जल निकायों का दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है. लाइट ब्लू शो सैलो वाटर और हल्का हल्का नीला रंग सैलो वाटर यानी उथला पानी दिखाता है. एंड डीप ब्लू शो डीप वाटर, गहरा नीला गहरे पानी को दर्शाता है. ब्राउन और येलो शो दिखाता है माउंटेन्स एंड हाईलैंड्स को, माउंटेन्स और हाईलैंड्स को दिखाता है. डार्क ब्राउन दिखाता है सोस हाई माउंटेन्स, सबसे ऊंचे माउंटेन्स को. लाइट ब्राउन दिखाता है सोस लोअर माउंटेन एंड हिल्स. येलो सो द प्लेट्यूस और येलो कलर प्लेट्यूस को दिखाता है. ग्रीन सो प्लेन्स एंड लोलैंड्स, ग्रीन कलर हमारा प्लेन्स मैदान और लोलैंड्स को दिखाता है. ऑल मैप्स यूजली फॉलो द सेम कलर सीम, ऑल मैप्स सारे मैप में इसी कलर का यूज़ किया जाता है. मैप्स हेल्प अस टू गेट अ वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैप्स में हेल्प करता है हमारे लिए अलग इन्फॉर्मेशन में. दे हेल्प स्टूडेंट एंड टूरिस्ट टू गो टू प्लेस ऑफ देयर चॉइस, वह हेल्प करता है विद्यार्थी और टूरिस्ट यात्रियों को अपनी मनपसंद जगह पर घूमने के लिए. Historians are use maps to show historical events of particular place. इतिहासकार विशेष स्थानों पर ऐतिहासिक घटनाओं को दिखाने के लिए मानचित्र का उपयोग करते हैं. Because of क्योंकि there are so many uses, क्योंकि maps के बहुत सारे uses होते हैं. Maps are often called, maps को हम कह सकते हैं our friends or guides.